राजगढ़ में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा को किया संबोधित, बीजेपी पर लगाया मुद्दों से भटकाने का आरोप। आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में कांग्रेस पार्टी की एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। दशहरा मैदान पर आयोजित यह सभा कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के समर्थन में आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी ने भी शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा प्रत्याशी पर भी जमकर हमला किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को मुद्दे से भटका रही है। कमलनाथ विकास की बात करते हैं तो बीजेपी मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। 20,000, 30,000, 50,000 एक एक विधानसभा के लोग एकत्रित, इसके पीछे भाव क्या है? भाव कमलनाथ जी का 11.5 महीने का कार्यकाल, जिसमें उन्होंने समृद्धि दी, मध्य प्रदेश को विजन दिया, मध्य प्रदेश के परिवार वालों को विजन दिया। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इधर उधर पूरी दुनिया में जाना चाहती है, पर समृद्ध मध्य प्रदेश कैसे बनेगा और 15 साल में हमने क्या किया, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कमलनाथ कहते हैं मैंने किसानों की कर्ज माफ की और मेरी योजना आगे चालू रहेगी। कमलनाथ कहते हैं मैंने गरीबों की 300 रूपए से 800 रूपया पेंशन की। कमलनाथ के सर 800, अब 800 कर दिए। कमलनाथ जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हर तरह की समृद्धि लाने के वचन के साथ में काम कर, और भारतीय जनता पार्टी इधर उधर सब दूर घूमती है। गोविंद राजपूत ये जन समुदाय बताता है कि गोविंद भैया आज मंत्री नहीं रहे, पहले विधायक नहीं थे, आने वाले समय में एकदम कुछ नहीं रहेंगे, ये विश्वास ये भरोसा यहाँ सुर्खी की जनता देती है। मैं मानता हूँ कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने का, न कांग्रेस का है न बीजेपी, और मध्य प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी